हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ मानसा। आप सभी का मेरे चैनल में हृदयपूर्वक स्वागत है। तो देखो, यहाँ पे ना हस्बैंड कुछ सब्जियाँ लाए थे, तो मैं अभी इन सभी को निकाल के अच्छे से रख देती हूँ। और कीर्तना भी आई थी, तो इसे ना पता नहीं आज हमारे घर आने का मन कर रहा था, तो चिन्नू को बुलाया है, फिर चिन्नू जाके इसे लाया है, मतलब दोनों मिलके आए हैं। और देखो सब्जियों में आज क्या क्या लाए हैं। तो ये तो सहजन है, और सहजन के पास वाला जो सब्जी है उसे शायद अरबी कहते हैं ना, तो वो लाए हैं, और पत्ता गोभी। तो अभी बस मैं सब्जियां निकाल के खाना बनाने ही वाली थी, इतने में हस्बैंड ने फ़ोन किया है और कह रहे थे कि खाने में वो नहीं आने वाले हैं, तो बस हमारे लिए ही बनाने के लिए कह रहे थे। और यहाँ पे देखो खूब सारा हरी धनिया लाए हैं, और मेथी और पुदीना भी लाए हैं। और देखो मैं इनसे पूछ रही थी कि आज कौन सा सब्जी बनाऊँ, तो मुझे पत्ता गोभी बनाने का मन कर रहा था क्योंकि बहुत दिन हो गए, लेकिन ये लोग ने फिर सांभर बनाने के लिए कहा है, तो बस अभी सांभर बनाने के लिए यहाँ पे तुअर दाल को ले लेती हूँ। तो अभी ना मैं छोटे ग्लास से ढाई ग्लास जितना तुअर का दाल लिया है, तो इसे ना अभी साफ़ करके, अगर टाइम हो तो थोड़ी देर हमें तुअर दाल को भिगोकर रखने से अच्छा होता, लेकिन मैंने भिगोया नहीं है, बस ऐसे ही कुकर में डाल के रख दिया है। और अभी ना इमली को भी मैं भिगो के रख देती हूँ। तो जितना मैंने तुअर दाल को भिगो कर रखा है ना, उसके हिसाब से यहाँ पे इमली को लिया है, और इसमें कुछ सब्जियाँ भी डाले जाते हैं, तो बस उसको भी ध्यान रख के इमली को भी मैंने भिगो कर रख दिया है। और यहाँ पे देखो ये लौकी है, तो ये पूरी लौकी को मैं अभी सांभर में डालने वाली हूँ, और उसके साथ ही सहजन। तो बस सांभर में ना, मतलब हमारे घर में जब भी सांभर बनता है तो सहजन को डालना ही होता है, नहीं तो फिर लौकी को तो भी डालना ही होता है। और यहाँ पे देखो सारे सब्जियों को मैंने काट के रख दिया है, तो यहाँ पे इतना सारा मैंने हरी मिर्च लिया है, सहजन, लौकी, एक टमाटर और एक प्याज, और कुछ लहसुन की कलियाँ को भी लिया है। तो बस इन सब्जियों को ना पहले ही हम अच्छे से काट के रखते हैं, तो सांभर बनाने में इजी होता है। चाहे तो हम इसमें जैसे बैंगन डाल सकते हैं, भिंडी डाल सकते हैं, आलू को भी डाल सकते हैं। तो बस हमारे पास जो सब्जियां उस टाइम पे होते हैं उससे हम सांभर बना सकते हैं। तो अभी मैं इतने सारे सब्जियां डालने वाली हूँ। और यहाँ पे देखो ये वाला कढ़ाई मैंने लिया है और इसमें तेल डाला है। तेल अच्छे से गर्म होने के बाद जीरा और राई भी डाल देती हूँ। तो ये जो सांभर की रेसिपी है मैं अपने घर में जैसे बनाती हूँ, तो बस वही मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। और पता है ये रेसिपी मैंने अपने पेद्दम्मा से सीखा है, और पिछले व्लॉग में ना आप सब पूछ रहे थे कि पेद्दम्मा मतलब क्या होता है, तो पेद्दम्मा मतलब बड़ी माँ, मतलब मेरे माँ के सभी बड़े बहनें हैं, तो उन्हीं को मैं पेद्दम्मा कहती हूँ। तो बस आप भी पूछ रहे थे ना, तो शायद हिंदी में मासी कहते होगे ना, पेद्दम्मा को मासी कहते हैं, और छोटी माँ को क्या कहते हैं, मैं तो मासी को ही छोटी माँ समझ रही थी। तो जो है आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। और यहाँ पे देखो तेल गर्म होने के बाद मैंने जीरा और राई डाला है ना, फिर बाद में करी पत्ता को भी डाल देती हूँ। करी पत्ता अच्छे से चटकने के बाद इसमें हरी मिर्च को भी डाला है, तो हरी मिर्च जो है अपने टेस्ट के हिसाब से, तीखापन जितना खाते हो उसके हिसाब से डाल सकते हो। तो मैंने हरी मिर्च भी डाला है, और थोड़ा सा मैं लाल मिर्च पाउडर भी डाल देती हूँ। फिर बाद में ना इसमें मैंने एक प्याज भी डाला है, फिर ढक्कन रख के इसे अच्छे से फ्राई होने के लिए रख देते हैं। तब तक ना यहाँ पे देखो दाल अच्छे से कुक हो चुका है, तो इसे मैं अच्छे से घोट लेती हूँ। और यहाँ पे अभी ना इसमें पहले तो सहजन डाल देती हूँ, क्योंकि सहजन ना कुक होने में थोड़ा टाइम लगता है, तो इसीलिए सहजन डाल देती हूँ। फिर सहजन डाल के दो तीन मिनट के बाद इसमें लौकी को भी डाल देते हैं, तो लौकी तो अच्छे से कुक हो जाता है, तो इसे ना बस अभी डाल देती हूँ और अच्छे से चला लेते हैं। फिर बाद में इसमें मैंने नमक डाला है, तो नमक अभी थोड़ा सा डालेंगे, फिर बाद में और थोड़ा नमक जो है ऐड करने वाले हैं। तो अभी इसे एक बार अच्छे से फिर से चला लेते हैं,
और अभी ना इसमें मैं जो कूटा हुआ लहसुन है उसे डाल देती हूँ। तो ज़्यादातर ना करी पत्ता डालने के बाद ही लहसुन डालते हैं, लेकिन मैं इसी तरह से डाल के बनाती हूँ। इस तरह से डालने से ना जो लहसुन का खुशबू है वो अच्छे से आने लगता है, और मतलब जब खुशबू अच्छा आने लगता है तो उसे मतलब जो बनाते हैं ना उसे खाने में भी अच्छा लगता है ना। तो बस मैं इस तरह से बनाती हूँ, आप भी एक बार ट्राई करिएगा। अभी देखो इसमें मैं एक बैंगन को भी काट के डाल देती हूँ। तो बैंगन ना इस तरह से मैं बाद में ही डालती हूँ, फिर बाद में एक टमाटर को भी डाला है। तो बस इतना ही मैं आज सब्जियाँ डालने वाली हूँ। तो अभी इसमें ना मैं हल्दी भी डाल देती हूँ, और मैंने बताया है ना कि ये रेसिपी पिद्दम्मा ने सिखाया है करके। तो शादी के बाद ना पहली बार मैं उनके घर गई थी, तो तब पिद्दम्मा सांभर बना रही थी और उन्होंने कहा है कि बस इसी तरीके से सांभर बनाना करके। तो तब से ना अभी तक मैं बस वैसे ही सांभर बनाती हूँ। थोड़े बहुत चेंजेस जो है वो मैं करती रहती हूँ, लेकिन वो बहुत छोटे छोटे है चेंजेस है, लेकिन पूरा जो प्रोसेस है बिल्कुल पिद्दम्मा ने जैसा बताया वैसा ही मैं करती हूँ। और देखो इसमें मैंने लाल मिर्च पाउडर भी डाला है। अच्छे से चलाने के बाद इसे हम ऐसे ही रख देते हैं, और देखो सब्जियाँ अच्छे से कुक हो चुके हैं। और अभी ना इसमें इमली का पानी भी डाल देते हैं। इमली का पानी डालने के बाद देखो इस तरह से उबाल आनी चाहिए, फिर बाद में दाल को भी हम डाल देते हैं। दाल डालने के बाद अच्छी तरह से एक बार चला लेते हैं, फिर बाद में इसमें जितना हमें पानी चाहिए उतना पानी ले लेते हैं। तो मतलब ये होता है ना कि सांभर किसी को पतला चाहिए और किसी को गाढ़ा चाहिए, तो उसके हिसाब से पानी डाल देते हैं। और यहाँ पे देखो सांभर को ना अभी बॉईल होने के लिए रख दिया है, और साथ ही इसमें स्वाद के अनुसार नमक। तो पहले भी मैंने नमक डाला है और अभी थोड़ा सा नमक और ऐड कर देती हूँ, और इसे ऐसे ही रख देते हैं तब तक ना। तो देखो यहाँ पे ये सारे जो सब्जियाँ हैं इन्हें भी मैं निकाल के रख देती हूँ। तो देखो ये हरी मिर्च जो है पहले से ही घर में रखा हुआ था, लेकिन फिर भी देखो इतने सारे हरी मिर्ची लाए हैं, और इसे भी मैं अलग से रख देती हूँ। और जो टमाटर थे ना वो भी 2 किलो टमाटर लाए थे। तो बस अभी ना ये कुछ भी लाते हैं, मतलब जैसे टमाटर और हरी मिर्च जो है घर में होते ही है, क्योंकि जो भी अगर सब्जी ना हो तो ये हो तो हम मतलब सिर्फ टमाटर की सब्जी भी बना सकते हैं। तो इसीलिए ना हस्बैंड टमाटर और हरी मिर्च जो है लाते ही है, और आज तो 2 किलो टमाटर लाए हैं। 20 रुपये किलो दे रहे थे करके, फिर 2 किलो टमाटर लाए हैं। और मैं सोच रही थी इसका कुछ चटनी वगैरह या अचार वगैरह बना लूँ, और यहाँ पे जो भी देखो हरी धनिया और मेथी पुदीना है उन्हें भी साफ़ करके रख देती हूँ। और मेथी तो बस सारे सब्जियों में मैं डालती ही हूँ, और पुदीना की चटनी बना लूँगी, और कुछ पुदीना बहन को भी भेजने वाली हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा पुदीना भी लाए हैं। तो अभी ये जो है कुछ आजकल ना घर में नहीं रह रहे हैं, तो इसीलिए ना इतने सारे लाके रखे हैं। मैंने बोला था कि बहुत सारे सब्जियां ना लाओ करके, लेकिन देखो अगर हमें कुछ मुश्किल ना हो तो इसीलिए इतने सारे लाके रख दिए हैं। और यहाँ पे देखो सांभर में अच्छे से बॉईल आ चुका है, और इसमें मैं सांभर पाउडर भी डाल देती हूँ, और कुछ देर के लिए इसे ऐसे ही रख देते हैं। फिर अभी ना 10 मिनट के बाद मैं इसमें हरी धनिया भी डाल देती हूँ और गैस को ऑफ कर देती हूँ। तो बस हमारा सांभर जो है तैयार है। और अभी ना मैं पहले तो सांभर को अलग बर्तन में निकाल के रख देती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म है ना। तो अभी हम खाना खाने के लिए इसे मैं निकाल के एक तरफ रख देती हूँ। तब तक ना यहाँ पे मैं कुछ पापड़ को भी तल लेती हूँ। तो सांभर के साथ ना एक सूखा सब्जी हो तो और भी अच्छा लगेगा, लेकिन अभी सब्जी मैं नहीं बनाने वाली हूँ क्योंकि बच्चे तो सिर्फ सांभर से ही खाना खाने वाले हैं। अगर मैं अपने अकेले के लिए सब्जी बनाती हूँ तो वो ख़त्म नहीं होता है। तो बस अभी थोड़ा सा अचार भी मैं निकाल के रख देती हूँ, तो ये आम का अचार है। तो बस अभी सांभर के साथ अचार और पापड़ बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो देखो यहाँ पे हम सभी लोग खाना खाने के लिए बैठ गए हैं, तो मैंने सोचा अगर हस्बैंड आते तो सभी मिलके खाते, लेकिन हस्बैंड ने फ़ोन करके ही बताया था कि खाने में नहीं आने वाले हैं। तो बस आजकल ना उनके काम के वजह से ऐसे ही हो रहा है। और अभी देखो शाम का टाइम हो रहा है, और पास में ही एक दुकान है वहाँ पर मैं जा रही हूँ। साथ में मैंने कीर्तना को आने के लिए कहा है,
तो हम दोनों जा रहे हैं। तो मुझे ना बहुत दिनों से एक झाड़ू लेना था, तो उसी के लिए हम अभी जा रहे हैं। तो यहाँ पे देखो, ये वाला झाड़ू मुझे लेना था, तो यहाँ पे देख रही हूँ कि कौन सा वाला ले लूँ। तो बस एक लेके फिर मैं आ गई हूँ। तो बाहर आंगन में झाड़ू लगाने के लिए ही मैंने इसे लिया है, क्योंकि ना आजकल जो है बहुत ज़्यादा मिट्टी आ रहा है, और जो पहला वाला जो झाड़ू था ना उससे मतलब उतना साफ़ नहीं लग रहा है, तो इसीलिए मैंने इसे लिया है। तो अभी ना इसे साफ़ कर देती हूँ। तो देखो इतना सारा निकला है, और इस झाड़ू को यूज़ करने से पहले कुमकुम लगा देते हैं। तो हमारे यहाँ ना इसी तरह से कुमकुम लगा के फिर झाड़ू को यूज़ करते हैं। और यहाँ पे देखो, सुबह से ना मैंने चोटी नहीं बनाई है, तो बस ऐसे ही खुला रखा हुआ था बाल, तो चोटी बना देती हूँ। फिर बाद में बहुत सारे कपड़े थे, इसे भी तय करके रख देती हूँ। तो अभी ना हस्बैंड का भी फ़ोन आया था, और वो कह रहे थे कि आज घर नहीं आने वाले हैं। तो आजकल ना बस ऐसा ही चल रहा है, हस्बैंड घर नहीं आ रहे हैं, बस काम पे ही जा रहे हैं। तो मुझे ना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि मैं ऐसी हूँ कि ज़्यादातर बाहर नहीं निकलती हूँ। जो भी चाहिए होता है तो हस्बैंड ही लाके देते हैं, लेकिन कुछ ऐसी सिचुएशंस भी आने लगते हैं कि हमें खुद जाके लाना भी होता है। और आजकल का मौसम भी ठीक नहीं चल रहा है, बच्चे भी बीमार होते जा रहे हैं, तो फिर बच्चों को संभालूँ, घर को संभालूँ, अकेले से ये सब करना थोड़ा मेरे लिए मुश्किल हो रहा है। तो बस अभी ना बच्चों को मैंने कुछ पढ़ने के लिए दिया है, और किचन में आ गई हूँ। तो यहाँ पे देखो इतने सारे टमाटर और हरी मिर्च लिया है, तो अभी टमाटर की चटनी बनाने वाली हूँ। और आप भी कमेंट कर रहे थे ना कि दीदी टमाटर की चटनी का रेसिपी शेयर करो करके, तो ये बहुत ही सिंपल तरीके से बनने वाला चटनी है। पहले तेल गर्म होने के बाद इसमें मैंने हरी मिर्च डाला है, हरी मिर्च को अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। तो ये जो चटनी है ना हमारे यहाँ मतलब तेलंगाना में बहुत ही ज़्यादा फेमस है, और इसे अगर हम ओखली में पीसते हैं तो और भी ज़्यादा अच्छा लगता। और यहाँ पे देखो अच्छे से हरी मिर्च जो है फ्राई हो चुके हैं, इसे हम निकालते हैं, फिर बाद में इसी कढ़ाई में टमाटर को भी डाल देते हैं। तो अभी ना ये टमाटर जो है पकने में थोड़ा टाइम लग जाएगा, तब तक मैं बच्चों के पास चली जाती हूँ। मैंने इन्हें कुछ पढ़ने के लिए दिया है, तो बस वही पूछ लेती हूँ, और साथ ही साथ कुछ लहसुन के छिलके भी निकाल देती हूँ। तो बस ये दोनों ऐसे ही टाइम पास कर रहे थे, कुछ भी नहीं पढ़ा है। जब मैंने पूछा तो बस एक दूसरे को देख रहे थे। और यहाँ पे देखो टमाटर भी अच्छे से पक चुके हैं, और इसमें हरी धनिया को भी डाल देते हैं। हरी धनिया डालने के एक मिनट के बाद गैस को भी ऑफ कर देते हैं। अभी ना देखो इस तरह से मिक्सी जार में पहले हरी मिर्च को ले लेते हैं, और इसमें जो हमने छील के रखा है ना लहसुन को भी डाल देते हैं, और स्वाद के अनुसार नमक, और इसमें ना थोड़ा सा जीरा भी डाल देते हैं। तो बस बहुत ही सिंपल तरीके से ये चटनी बनता है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट होता है। अभी इसमें टमाटर को भी डाल देते हैं, फिर बाद में इसे मिक्सी में हम पीस लेते हैं। अगर यही मतलब इसी तरीके से अगर हम ओखली में पीसते हैं तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा बनता है। तो अभी ना इसमें मैं तड़का नहीं देने वाली हूँ, चाहे तो तड़का दे सकते हैं, लेकिन इस तरह से भी अच्छा लगता है। तो ये इडली के साथ, डोसा के साथ, या गरम गरम चावल के साथ खाने में अच्छा लगेगा। तो देखो हमारा रात का डिनर भी तैयार है, तो बस सांभर के साथ टमाटर की चटनी और आम का अचार। तो यहाँ पे हम दोनों ने खा लिया है, सैनवी और मैंने खा लिया है, और देखो इन दोनों कैसे खा रहे हैं, बहुत ज़्यादा टाइम लेते हुए ऐसे ही टाइम पास करते हुए खा रहे हैं। और यहाँ पे मैंने सोने के लिए कहा है, लेकिन देखो कैसे मस्ती कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स बस इस व्लॉग को भी मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आज का व्लॉग कैसा लगा? अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। और मेरे चैनल में कोई नए हो और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मिलते हैं और एक अच्छे से व्लॉग के साथ।